हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट। ये है मैसूर बोंडा, जिसको हम कहते हैं गोलीबाजी भी कहते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब ये जो नारियल लिया है, मतलब इसको ग्रेट कर लिया था। आप फ्रेश भी ले सकते हैं या ड्राई वाला भी ले सकते हैं। और ये है 1 हरी मिर्च है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। ये है 3 टेबलस्पून के करीब राइस फ्लावर। अगर राइस फ्लावर नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। ये 1/4 कप के करीब पानी है, 1 कप मैदा, 1/2 कप कर्ड। ये है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड ऑयल फॉर फ्राइंग। अभी हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसमें नॉर्मल वाटर लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करना है। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल लिया था ये ग्रीन चिली एंड खोपरा। ठीक है, अभी हम इसके अंदर ये मैदा डाला है। ठीक है, और अभी इसी के अंदर जो है हम ये राइस फ्लावर डाल रही हूँ। ठीक है, और अभी ये जो बेकिंग सोडा है ये हमने डालना है। फिर ये दही, ठीक है, इसको आप अच्छे से विस्क कर ले लीजिए। ठीक है, इससे आप इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए ताकि लम्स ना पड़े। और ये जो है, आपको अगर पतला लगे या कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और वाटर डालकर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमने घोल जो है बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये घोल को आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर गाढ़ा करोगे तो उसमें से सारे कच्चे रह जाएंगे आपके बोंडे, और पतले करोगे तो ज़्यादा जो है ऑयल जो है ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए इतना रहना चाहिए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे जैसे हम बड़े का बनाते हैं, सेम ऐसे ही है ये। ठीक है, इसको अभी आप एक 20 से 30 मिनट तक ढक के रख दीजिए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखिए, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, ये बैटर बिल्कुल रेडी है। आपको इसको जैसे वड़े बनाते हैं, आप इसको पानी लगा लगा के इसको आपको जो है रेडी करना है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे, आई हैव ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स एंड देखिए ये छोटे छोटे, ये देखिए बैटर इतना ऐसा घोल है। तो अगर आपको पतला लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा या राइस फ्लावर डाल के कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाला है। ये देखिए, हमारे जो बोंडे हैं बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अभी इसको मैं टिश्यू पेपर पर निकालती हूँ। ये देखिए, हमारे बोंडे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त आइटम है ये, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। आप इसको, ये डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने कोकोनट एंड पीनट की चटनी दी है साथ में। ये देखिए, बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे जो है गोलीबाजी भी बोलते हैं और इसको हैदराबादी बोंडे भी बोलते हैं, तो एकदम ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर।